Okay, dear students, this lesson is all about volcano. And the lesson name is Anak Rakatoa. Anak Rakatoa. The lesson name is Anak Rakatoa. Rakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. Java and Sumatra are the two cities of Indonesia, and Rakatoa is an island, एक छोटा सी island है जो Indonesia में है और Sumatra और Java के बीच में है. It is known for its volcano which erupts regularly. And this island, ये जो island है Rakatoa, ये अपने volcano के लिए पहचाना जाता है. It is known for its volcano के लिए पहचाना जाता है, which erupts regularly. और इसमें जो पहले वाले, इसमें होने वाले volcano जो है ना, ये regularly erupt होते. Erupt का मतलब होता है फटना, blast होना. Regularly blast होते रहते हैं. What is volcano? The question is this. What is volcano? सवाल ये है, volcano क्या चीज़ है? Volcano किसे कहते हैं? What is volcano? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. Volcano is a crack or opening in the earth's crust. अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ के बहुत सारे हिस्से होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. एक कोर होता है, एक मेंटल होता है, एक लेयर होता है, एक क्रस्ट होता है. तो जो क्रस्ट है, ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है, उसमें कुछ ओपनिंग हो जाती है, कुछ सुराख हो जाते हैं, जिस सुराख के अंदर वॉल्केनो क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, उसको क्या करते हैं, दरार डालते हैं. वॉल्केनो इज़ अ क्रैक, एक किस्म का क्रैक या ओपनिंग होता है. क्रैक होते हैं दीवार के अंदर, दरार होती है. आपने ज़मीन पे भी देखे होंगे, क्रैक होते हैं, उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, दैट प्लांट्स है ना, सिबलिंग्स बाहर आते हैं. सो सिमिलरली वॉल्केनो जो है ना, एक किस्म का क्रैक या ओपनिंग होता है अर्थ के नीचे वाले हिस्से में, अर्थ के क्रस्ट में. There is hot molten rock near the earth center. You can see this is the earth center. ये earth का center है जिसमें molten, molten मतलब पिघले हुए, melt, molten. Molten rocks होते हैं, पिघले हुए, एकदम गर्म पिघले हुए पत्थर होते हैं, जो किधर होते हैं, near the earth center. Earth के center में बहुत सारे मोल्टन रॉक होते, पिघले हुए पत्थर होते, आग में एकदम भुने हुए पिघले हुए पत्थर होते. अच्छा, समटाइम्स वो जो मोल्टन रॉक्स है, वो जो लावा है, वो जो मोल्टन जो मेटल है, जो मटेरियल्स है, समटाइम इट राइजेस थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ. Sometimes it rises to the surface of the earth. Earth का जो surface है, जो crust है, crust से ऊपर जो surface है, वो surface से कभी कभी ये जो molten rock होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ आते हैं. Rises, rise, उठना, ऊपर की तरफ उठते हैं. Through the such a crack or opening and flows out.
थ्रू सच अ क्रैक. तो अभी आपको पता वॉल्केनो क्रैक होता है, ओपनिंग होता है. उस क्रैक और ओपनिंग में से वो जो मोल्टेन रॉक्स है ना, वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं एंड फ्लोज आउट, और ऊपर की तरफ बहकर निकल जाते हैं. अच्छा, व्हेन दिस हैपेंस, जब इस तरह से वो लावा, वो मेटल, वो मोल्टेन रॉक ज़मीन के अंदर से उबल कर क्रैक और ओपनिंग से बाहर आकर बहते हैं, तो व्हेन दिस हैपनिंग, ये चीज़ें जब होती हैं, मोल्टेन रॉक्स बाहर आकर बहते हैं, वी से दैट द वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड. द वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड, तो हम कहते हैं कि अब जो है ये वॉल्केनो फट पड़ा, लावा उबल के बह गया, आतिशफिशा फट गया, लावा बहा, वॉल्केनो इरप्टेड, वॉल्केनो फटा. तो वॉल्केनो इज नॉट सच अ लावा और सच अ थिंग. वॉल्केनो इज अ क्रैक, इज अ ओपनिंग ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो जो ज़मीन के अंदर जो मोल्टेन रॉक्स है, जो लावा है, जो मेटल है, वो जब गर्म होते हैं पिघल जाते हैं, तो पिघलने के बाद में उनको फ्लो करने के लिए जगह चाहिए. और गर्मी से कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ आती, यू नो दैट, जब वो ऊपर की तरफ सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जो ऊपर की जो हिस्सा है उसमें उनको कोई भी क्रस्ट, कोई भी उनको क्रैक या ओपनिंग मिलता है, तो वहाँ से वो बड़ी शिद्दत से ऊपर बहकर फटके बहते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉल्केनो हैज इरप्टेड. यस, अ वॉल्केनो इरप्शन हैपेंस ऑन ए ट्रिमेंडस स्केल. अ वॉल्केनिक इरप्शन हैपेंस ऑन ए ट्रिमेंडस स्केल. ट्रिमेंडस स्केल मतलब बड़े लार्ज पैमाने पे, बहुत ज़ोरों से, बहुत शिद्दत से. ट्रिमेंडस का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, लार्ज, शिद्दत के साथ में, ज़ोरों शोर के साथ में. ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ये जो वॉल्केनिक फटना है, ये इरप्शन बहुत ही शदीद पैमाने पे होता है, बहुत शिद्दत से होता है, बहुत ज़ोरों शोर से होता है. इसको बोला गया वॉल्केनिक इरप्शन. हाँ, जो फटाव है, जो बहाव है, जो धमाका है, ये ऑन ए ट्रेमेंडस स्केल, बड़े पैमाने पे होता है. मामूली मामूली पैमाने पर, छोटे छोटे तौर पर ये वॉल्केनिक फट्टे नहीं है, बड़े पैमाने पे फट्टे हैं. नाउ व्हाट हैपन व्हेन द वॉल्केनिक इरप्शन ब्लास्ट और बर्स्ट. जब कभी कोई वॉल्केनो फटता है तो क्या होता है, थिक, डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक. थिक मतलब एकदम गाढ़े, थिक अपोजिट ऑफ थिन. डार्क क्लाउड, बादल एकदम डार्क हो जाते हैं, एकदम थिक हो जाते हैं. ऑफ स्मोक, बादल, स्मोक धुआं, स्मोक मतलब धुआं, धुआं के बादल, वो भी कैसे काले और कैसे थिक. ये किधर की तरफ उठते, राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग. वो जो ओपनिंग है जहाँ से वॉल्केनो और मोल्टेन रॉक्स बाहर आ रहे हैं, उस ओपनिंग से राख, धुआं और तरह तरह की चीज़ें जो है वो उठकर ऊपर की तरफ जाती है. हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई. स्प्रेड इन द स्काई मतलब आसमान में फैल जाती है. Big, glowing, burning chunks of rock. Chunks of rock. Big मतलब बड़े बड़े. Glowing मतलब एकदम चमकीले. Burning मतलब जलने वाले chunks. Chunks of rocks. Rocks के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े क्या करते हैं? And red hot lava. लाल कलर का गरम गरम लावा. आर थ्रोन आउट, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है. आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ, ज़मीन में जो क्रैक और जो ओपनिंग है उसके अंदर से पहले तो धुआं निकलता है, पहले तो बहुत घट, एकदम थिक
और डार्क धुआं निकल के आसमान की तरफ जाता है। जब धुआं निकलना बंद होता है तो उसके बाद में बड़े बड़े चमकदार और जलते हुए पत्थरों के टुकड़े, चंक्स ऑफ रॉक, ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, बाहर की तरफ उबलते हैं। और साथ साथ में लाल कलर का जो है लावा, लावा मालूम है ना, बहता हुआ मेटल, बहते हुए चीज़ें जो लावा की शक्ल में क्या होती है, thrown out of the crack in the earth, अर्थ के अंदर जो क्रैक है उसमें से उसको बाहर फेंक दिया जाता है, वो बाहर निकल कर बहना शुरू होते हैं। चंक का मतलब क्या बोला, रफली कट लंप, अलग अलग तरह के टुकड़े। Very hot mud, एकदम गर्म किस्म का कीचड़। And ash और राख are also thrown out, उस क्रैक, उस ओपनिंग में से फर्स्ट ऑफ दी ऑल स्मोक निकलता है जो बहुत थिक और डार्क होता है। देन आफ्टर लावा बहता है, लावा के अंदर तरह तरह के बड़े बड़े मेटल पत्थर बहते हैं, और उसके बाद में जो है ना कीचड़ भी निकलता है, हॉट मड, कीचड़ और राख, ये भी क्या होती है, उस ओपनिंग में से बाहर आती है। A great volcanic eruption can change the landforms in the area. A great volcanic eruption can change the landforms in an area. A great volcanic eruption can change the landforms in an area. कोई भी एरिया के अंदर जब बड़े बड़े वॉल्केनिक फट्टे ना, बड़े बड़े लावा, बड़े बड़े आतिशफिशा जब फटते हैं ना, तो उस ज़मीन के हिस्से को बदल देते, उसकी जो शक्ल होती है ना, देखो ये कैसी शक्ल दिखाया यहाँ पे, उसकी शक्ल, ज़मीन की शक्ल ही बदल देते। अगर ज़मीन प्लेन होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, तरह तरह के उबड़ खाबड़ हिस्से हो जाएंगे, घास होगी तो जल जाएंगे, खेत होगी तो जल जाएंगे, फॉरेस्ट सब खत्म हो जाएगा, मतलब ज़मीन की पूरी शक्ल बदल दी जाती। अ ग्रेट वॉल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म्स इन एन एरिया, किसी भी एक एरिया में अगर वॉल्केनिक फटता है, लावा निकलता है, तो वहाँ की शक्ल पूरी की पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती। Volcanoes are popularly classified into three categories. वॉल्केनो को जो है वो तीन कैटेगरी में क्या किया गया है, तीन अलग अलग शक्लों में उसको बांट दिया गया है, तीन अलग शक्लों में उसको क्लासिफाइड किया गया है। नंबर वन, एक्टिव वॉल्केनोस, एक्टिव वॉल्केनोस इरप्ट रेगुलरली। एक्टिव वॉल्केनो किसको बोलते हैं, जो रेगुलरली क्या होता है, फटते रहते, इरप्ट होता है रेगुलरली, जमीन के अंदर से उबल के बाहर आता है, इरप्ट होता है, फटते रहता है। बी क्या है, डोरमेंट वॉल्केनो, मतलब डोरमेंट मीन्स टेम्पररली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप। डोरमेंट का मतलब ही क्या बता रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंट, डोरमेंट मीन्स टेम्पररली इनएक्टिव, मतलब टेम्पररली, परमानेंटली नॉट परमानेंट, टेम्पररली वो इनएक्टिव, कभी कभी वो पट्टा है तो कभी कभी नहीं पट्टा है, और इन अ डीप स्लीप, वो रहता तो है, वॉल्केनो तो है वहाँ पे, लेकिन वो सोया हुआ है, गहराई के अंदर है, कभी कभी फट्टा है कभी नहीं पट्टा है। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शंस ऑफ दीज वॉल्केनोस इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्विट। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शंस ऑफ दीज वॉल्केनोस इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट, they are
क्वाइट, ये खामोश हो गए, अब ये बच्चे नहीं, अब ये फट्टे नहीं है। हिस्ट्री में इनकी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, लेकिन अब ये वॉल्केनोज जो है ना डॉर्मेंट, ये अब खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, अब ये वॉल्केनोज फट्टे नहीं है। Extinct volcanoes मतलब geographers can guess, जो geography जानते हैं, जिन लोगों को geography की knowledge है वो guess करते हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं, वो सोचते हैं by looking at the rock formation, जो बड़ी बड़ी चट्टान की जो शक्लें बन जाती है ना उसको देख कर वो अंदाज़ा लगाते हैं, that they used to erupt long long ago, ये जो extinct volcanoes है ये कई ज़माने पहले erupt हुआ करते थे, blast हुआ करते थे, फटा करते थे, but there is no record of it in history, लेकिन extinct volcanoes का कोई record history में मौजूद नहीं है। Geographers can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long, long ago, but there is no record. Extinct volcanoes, an extinct volcano is unlikely to erupt again. Extinct volcanoes jo hai na, an extinct volcano is unlikely to erupt again. Bahut mushkil hai usko dobara phatna. Unlikely matlab bahut mushkil hai, unlikely nahi hona chahiye, aisa hoga nahi. कभी अगर मुश्किल तो हो गया तो हो गया, बट ऐसा हो नहीं सकता है, वो अब इरप्ट होने वाले नहीं है, फटने वाले नहीं है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट का मतलब ही होता है दुर्लभ, खत्म हो जाना। एक्सटिंक्ट मतलब नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, जो अभी पाए नहीं जाते। वी से दैट एनिमल्स डायनासोर्स नाउ दे आर एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो गया, पाए नहीं जाते। ओके, राकाटोवा इज एन एक्टिव वॉल्केनो, नंबर वन एक्टिव वॉल्केनो। राकाटोवा जो है वो किसके अंदर काउंट होता है, ए वाली कैटेगरी में एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब वो ऑलवेज ब्लास्ट होते रहते हैं, फटते रहते हैं। इट हैज इरप्टेड मैनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर, ये जो राकाटोवा है ना ये बहुत बहुत बार, मैनी टाइम्स, कई बार ये ब्लास्ट हो चुका है, इरप्ट हो चुका है, कई बार फट चुका है, और इसने बहुत तबाही मचा रखी है। कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर मतलब इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी तबाही आ चुकी है। The worst of the eruption took place in August 1883. ये जो active volcano है राकाटोवा में, ये इसका बहुत बड़ा बुरा, worst मतलब सबसे ख़राब जो eruption हुआ था, सबसे ख़राब जो blast हुआ था, जो फटा था ये volcano, ये August 1883 में हुआ था, बहुत 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 भयानक, बहुत danger। The volcano erupted with such a loud boom. The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 kilometer away in Australia. ये जो वॉल्केनो था, ये जो राकाटोवा का जो एक्टिव वॉल्केनो था, जब ये फटा था 1883 अगस्त में, ये इतना भयानक था, द वॉल्केनो इरप्टेड, ये वॉल्केनो जब ब्लास्ट हुआ था विद सच अ लाउड बूम, बहुत ज़ोर की बूम की आवाज़ आई थी, एंड इट वॉज हर्ट, और ये जो बूम की आवाज़ थी, इसके फटने से जो आवाज़ उठी थी, ये आवाज़ 3,500 किलोमीटर अवे, ऑस्ट्रेलिया जो है इंडोनेशिया से, जहाँ पर ये राकाटोवा आइलैंड है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 3,500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। नॉर्मली हमको अगर कोई आवाज़ आती है तो बहुत बहुत तो कुछ कुछ दूर से आती है ना, बहुत दूर से नहीं आती है, जैसा
अगर किसी जगह पर कुछ टायर ब्लास्ट हुआ तो वो मैं समझता हूँ शायद वो आधा किलोमीटर दूर से आवाज़ आ जाती होगी, एक किलोमीटर दूर की भी हमको आवाज़ नहीं सुनाई देती है, लेकिन ये इतनी ज़ोर के ब्लास्ट हुआ था कि इसकी आवाज़ जो है वो 3,500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दी थी। द वॉल्केनो इरप्टेड विथ सच अ लाउड बूम, ये वॉल्केनो इतनी ज़ोरदार आवाज़ के साथ में फटा था, दैट इट वॉज हर्ड, ये आवाज़ सुनाई दी गई थी मोर देन 3,500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो कि वहाँ से 3,500 किलोमीटर दूर है वहाँ पर भी इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। Yes, it is believed, ये ऐसा माना जाता है, it is believed to be the loudest sound, to be the loudest sound, सबसे जोरदार की आवाज़ इसको माना जाता है। ये जो आवाज़ यहाँ से जो बूम की आवाज़ हुई थी, जो बस्ट हुआ था, जो इरप्शन हुआ था, इससे जो आवाज़ हुई थी ना, ये आवाज़ आज तक की सबसे ज़ोरदार आवाज़ है दैट मैन हैज़ एवर हर्ड, दुनिया में इंसान ने आज तक जितनी भी ज़ोरदार आवाज़ सुनी होगी उन सब में ज़ोरदार आवाज़ का रिकॉर्ड इसको दिया गया, ये आवाज़ जो फटी थी, जो आवाज़ सुनाई दी थी, ये सबसे ज़ोरदार आवाज़ आज तक इंसान ने दुनिया में सुना है। इट इज़ बिलीव टू बी लाउडेस्ट साउंड, ऐसा माना जाता है कि यह सबसे ज़ोरदार आवाज़ है दैट मैन हैज़ एवर हर्ड, इंसान ने अभी तक इससे ज़ोरदार आवाज़ नहीं सुना है। द आइलैंड विच वॉज अ वॉल्केनो माउंटेन, अच्छा जो आइलैंड जहाँ पर वॉल्केनो माउंटेन था, वॉल्केनो माउंटेन पहाड़ था, उसमें से ये वॉल्केनो, ये लावा फटा था, ये आतिशफिशा फटा था, कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, पूरा के पूरा पहाड़ ही अपने आप से क्या हो गया, गिर गया, पूरा के पूरा पहाड़ बह गया, ढह गया, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, इतनी ज़ोरदार और इतना भयानक ये वॉल्केनो था। नॉर्मली वॉल्केनो फटता है तो कुछ एरिया जो है वो ओपनिंग और सराउंडिंग और क्रैक फटता है, बाकी वो आसपास के पहाड़ जहाँ पर वो वॉल्केनो होता है वो पहाड़ पूरा के पूरा सही सलामत रहता है, लेकिन ये वॉल्केनो इतना ज़ोरदार था कि ये पूरे के पूरे पहाड़ को ही गिरा दिया इसने, पूरे के पूरे पहाड़ को इसने क्या कर दिया, कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, वो पूरा के पूरा पहाड़ जो है ना अपने आप पर बह गया, अपने आप पर ढह गया, पूरा के पूरा गिर गया। The dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 किलोमीटर in the sky. The dust, उस माउंट इरप्शन में से, वो लावा में से, वॉल्केनो में से जो डस्ट निकल के ऊपर गई थी, जो डस्ट, वो डस्ट जो है ना, दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन, इरप्शन में से जो डस्ट बाहर निकल के और ऊपर की तरफ गई थी, रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई, आसमान में 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये इसके डस्ट फैल गए, इसकी जो धुआं है, इसकी जो मट्टी है, इसकी जो ऐश है, इसकी जो राख है, ये जो डस्ट है, जब इसमें से डस्ट निकला, धूल निकली, तो ये आसमान में 80 किलोमीटर दूरी तक फैल गए थे, बहुत ऊंचा जाना, 80 किलोमीटर दूरी आसमान में फैलना, इट इज़ अ वेरी यूनिक, विट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग, दिख रहा है ना, 80 किलोमीटर आसमान में, 80 किलोमीटर दूर तक इसके जो धुएँ हैं, इसकी जो डस्ट है, वो आसमान में 80 किलोमीटर ऊपर तक फैल गए थे, उठ के चले गए थे। इट स्प्रेड इन द स्काई, आसमान में फैल गए थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में हर जगह पे आसमान पे इसकी राख दिखाई दे रही थी। लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बाद में दुनिया के अलग अलग पार्ट्स पे वो ऐश, वो राख, वो डस्ट जो है वो गिर के जमा होना शुरू हुए। सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स मतलब वर्ल्ड के दूसरे दूसरे हिस्से में, वहाँ से आसमान पे बारिश गिर रही थी तो बारिश के साथ में राख आ रही थी, डस्ट आ रहे थे, कचरे आ रहे थे, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे जिस जगह पर वो इरप्शन हुआ था, इंडोनेशिया जावा सुमात्रा के बीच में, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर उसकी राख जो है वो बाद में सेटल हुई, बाद में गिरी, बाद में जमा हुई।
इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आसमान पे ये डस्ट फैल गए, एंड लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स, दुनिया के अलग अलग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में वो क्या हो गए, गिर के जमा होने लगे, और वो भी कितनी दूर, 1000 किलोमीटर अवे। ये इरप्शन, द इरप्शन कॉज्ड, द इरप्शन कॉज्ड जायंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। द इरप्शन कॉज, ये इरप्शन ने क्या चीज पैदा कर दिया, जायंट वेव्स, बड़ी बड़ी लहरों को इसने क्या किया, पैदा किया, और सुनामीज, एक सुनामी नहीं कई सुनामी जो है इसने पैदा किया, इन द सी नियर द आइलैंड, वो आइलैंड के नज़दीक जितने भी समुंदर थे, जितने भी सी थे ना, जितने भी नदी, जितने भी दरिया, जितने भी समुंदर होंगे उसके अंदर इसने क्या किया, बहुत सारी वेव्स और सुनामीज बहा दिया, इसने पैदा कर दिया। About 165 villages and towns were destroyed. 165 villages, गांव एंड टाउन्स वेर डिस्ट्रॉयड, पूरे के पूरे तबाह हो गए, ड्यू टू द इरप्शन एंड द सुनामीज, उस इरप्शन, उस बहाव, उस सुनामीज, उस तोड़ फोड़ और उस बहुत ज़ोरदार धमाके की वजह से ऑलमोस्ट 165 villages and towns were destroyed, पूरे के पूरे तबाह हो, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और साथ साथ में सुनामी भी आई, और साथ साथ में लहरें, सैलाब, पानी, बारिश, तरह तरह की वफा आबा जो है वो वबाएँ आई, जिसकी वजह से 165 villages और towns क्या हो गए, were destroyed, डिस्ट्रॉय हो गए, ड्यू टू द इरप्शन, इस फटने की वजह से, एंड ड्यू टू द सुनामीज और सुनामी की वजह से। You can see the difference before and after. You can see the difference. This is the 165 villages were destroyed, and these are the new developed cities and new developed areas. And this is very long. It is 1883, and now this is 2021. Yes, the eruption destroyed 2/3 of the island of Rakatoa. ये जो इरप्शन था इसने राकाटोवा का 2/3 आबादी को क्या कर दिया, इसने पूरा के पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा के पूरा ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। और हिंदी मराठी में तो एनसीक्यू नहीं रहेगा, रिटन पेपर।